आई थिंक लाइफ में इन जनरल आई एम गुड इन टेकिंग डिसीजंस. जब भी डिसीजंस लेना, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना होता है, तो मैं ये फोकस रखता था कि मैं डिसीजन लूँ, एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन लूँ, फिर मैं उसको बैक करूँ. सो जब ये क्लियर हो गया कि मुझे जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कभी ना कभी करनी है, क्योंकि आई एस्पायर टू बिकम एन IAS ऑफिसर, सो मैं सोचा कि बाद में करने के बजाय अभी क्यों ना करें. किसी चीज़ के लिए अगर हम उसको चाहते हैं कि मैं वो बनूं, तो उसको डिले क्यों करना. कभी ये जो जर्नी है, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट 3 साल की जर्नी है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत टायरिंग हो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेटिंग है ये कि मैंने शायद एक प्राइवेट जॉब देख ली होती? कभी ऐसा फील नहीं हुआ? कभी बॉक डाउन नहीं हुआ आप? आई थिंक मोटिवेशन मेरा पहले से बहुत क्लियर था कि मुझे जो है वो 2 से 3 सीरियस अटेम्प्ट देने हैं सिविल सर्विसेज में, तभी मैं किसी और जॉब के बारे में सोचूंगा. तो उस वजह से एक कांस्टेंट मोटिवेशन था, अंदर से था, और फिर फैमिली वालों का एक कांस्टेंट सपोर्ट था कि पापा मुझे कभी पुश नहीं किए कि तुमको जॉब करना है. इनफैक्ट पापा को डर लगता था कि कहीं ये जॉब की तरफ ना चले जाए. तो पापा जो है वो कहते थे कि चूंकि एग्ज़ाम ऐसा है तो हो सकता है 2 से 3 4 अटेम्प्ट लग जाएंगे, तो तुम्हें जो है तैयारी वैसे अच्छे से करनी है, रिजल्ट की टेंशन मत लो, हर स्टेज को जो है तुम धीरे धीरे क्लियर करते चले जाओ. सो इस वजह से, क्योंकि मेरे साथ में जो पॉजिटिव लोग थे, मैं खुद जो है अपने आप को पॉजिटिव जो है मैं रखने की कोशिश करता था, उस वजह से मुझे ऐसा कभी जो है वो ख्याल नहीं आया कि कॉर्पोरेट या कहीं और काम करना. तो शुभम जी, जो है आपने कभी कोई प्रॉब्लम, ऐसी डिफ़िकल्टी फेस करी जब आप यहाँ पे आए थे, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कुछ आपको लगा कि हाँ ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है या इसको ओवरकम करना है, कुछ ऐसा हुआ था? आई थिंक जब मैं आया यहाँ प्रिपरेशन करने, तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी. न्यूज़पेपर पढ़ता था तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स आते थे जिसका कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है. सो मैं एक डायरी मेंटेन करना स्टार्ट किया, और अभी उस डायरी में ऑलमोस्ट 500-600 वर्ड्स होंगे. इनिशियली मैं फिज़िकली मैं इस डायरी को मेंटेन करता था, फिर बाद में जो है मैं ऑनलाइन जो है गूगल शीट पे, वहाँ पे भी वर्ड्स का एक ये रखा था कि डिक्शनरी जैसा हो गया था मेरे लिए. और फिर मैं टॉपर्स के जो कॉपीज़ को मैं बार बार रेफ़र करता था, तो उससे मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है, कैसे शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, लंबे सेंटेंसेस कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं धीरे धीरे करके जो है वो सीखा. और सिमिलरली फिर एक फेज़ आया जब इंटरव्यू का. सो 2019 में जब पहली बार जो है इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने वाला था, सो मैं जो है अच्छे से जो है वो कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा था. सो फिर 2019 के अटैम्प्ट के बाद लगा कि थोड़ा फ्लुएंसी और इम्प्रूव किए जाए, सो इसलिए 2020 के अटैम्प्ट में थोड़े ऐसे मेरे दोस्त फॉर्चुनेटली ऐसे बन गए, तो साउथ इंडियन थे तो उनको जो है हिंदी नहीं आती थी. सो अकेडमी में फिर मैं जो है इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया. सो वहाँ से फिर एक थोड़ी फ्लुएंसी जो है 2019 के कंपैरिजन में वो इम्प्रूवमेंट हुआ. इंग्लिश से जो है एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम को बिलोंग करते हैं, एंड उनकी शिकायत है कि अब हिंदी माध्यम से क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. तो कैसा क्यों है ये फीलिंग, क्यों है, या फिर अगर ये सच है तो क्यों हो रहा है ऐसा? आई थिंक इसके मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं. मुझसे भी ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, इवन दो आई एम नॉट रिटन एग्जामिनेशन इन हिंदी मीडियम, बट मेरा ये मानना है कि अगर हिंदी मीडियम के लोग छात्र छात्राओं को देखें, उनके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो हिंदी में अवेलेबल नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पेपर है, बट उनके लिए कोई ऐसा जो अच्छा जो है कोई हिंदी पेपर है नहीं. सिमिलरली अगर रिसोर्सेज बुक्स वगैरह में जाएँ, तो उनके लिए कोई ऐसी किताब नहीं है जो UPSC के लिए बनाई गई हो. सो एक वहाँ पे लैग होता है. फिर दूसरा कि प्रॉपर गाइडेंस भी मुझे लगता है कि वो अवेलेबल जो है वो नहीं था. धीरे धीरे करके अब कोचिंग इंस्टीट्यूट या वैसा गाइडेंस, ऐसा मटेरियल, वो सब अवेलेबल हो रही हैं. आई थिंक इन कमिंग ईयर्स वी विल सी कि हिंदी मीडियम के भी छात्र छात्राओं में वो ज़्यादा सिलेक्शन होगा. ऑन द सिमिलर नोट जो है हमने देखा कि बिहार से बहुत सिलेक्शन होते हैं, राइट? और बहुत सारे लोग प्रिपेयर भी करते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो बिहार से थे. बिहार में इतना चार्म क्यों है सिविल सर्विसेज का? थिंक इसके काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं, एंड वन ऑफ द रीज़न ये है कि चूंकि बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, सो बहुत लोग जो हैं
वो सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी एक डिसेंट सैलरी होगी, एक इज्जत समाज में ज़्यादा होगा। फिर इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बिहार में एक सोशल मोबिलिटी को लेके भी एक चैलेंज होता है कि लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो सोशल स्ट्राटा में जो पोजीशन है उससे ऊपर जाना चाहते हैं। सो सिविल सर्विसेज बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, लोगों को लगता है कि उस सोशल स्ट्राटा उसको मैं ब्रेक करके जो है सोशल मोबिलिटी होगा। सो इस वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा बहुत लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज की तरफ जो है वो तैयारी करते हैं और इनफैक्ट अब जो है धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लियर भी कर रहे हैं। मुझे लगता है आप और इंस्पायर होंगे आपके बाद जो है। आपने नाम लिया एवरनोट का, टेलीग्राम का, एंड आप ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे थे, राइट? तो टेक्नोलॉजी ने आपको कितना हेल्प किया इन दिस प्रिपरेशन? आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इनफैक्ट फॉर मोटिवेशन आल्सो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, टॉपर्स के टॉक्स देखता था, एंड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी मैं गूगल पे देखता था। काफ़ी सारे टॉपर्स आर्टिकल्स भी लिखते हैं कैसे प्रिपरेशन, उनका जर्नी कैसा रहा। फिर मैं जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको मैं गूगल पे डालता था, फिर उसको मैं आगे यूपीएससी अटैच करता था और फिर 3-4 आर्टिकल्स मुझे मिल जाते थे, सो फिर वहाँ से मैं नोट्स बनाता था। सो आई थिंक इन एवरी स्टेज, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू, हर जगह जो है मैंने जो टेक्नोलॉजी का जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। गॉट इट। ऑल्सो जो है जो करंट अफेयर है वो एक टॉपिक है जो बच्चे थोड़ा रहते हैं कि इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, तो वहाँ पे आपकी क्या स्टडी थी? हाँ, जनरली मैं प्रीलिम्स के लिए द हिंदू ही फॉलो करता था और मेंस के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों फॉलो करता था। सो इसमें इनिशियली मैं नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन इस साल मैं थोड़े थोड़े नोट्स बनाना स्टार्ट किया। okay. कोई बहुत अच्छा एग्जांपल लग गया, बहुत अच्छा डेटा लग गया, तो उसी के नोट्स बनाता था। okay. ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक का मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो मैंने नहीं किया। बस एक एडिशनल वैल्यू एडिशन के लिए कोई वैसा कुछ मिल गया तो उसके नोट्स मैं बना लेता था, और मैं करंट अफेयर्स में कोशिश करता था कि उसको भी मैं लिमिट करूँ। जैसे मेंस 365 जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आते हैं, वो बहुत एंड में आता है, सो मैं उसके सारे मेंस 365 नहीं पढ़ता था, उसमें सेलेक्टिव पढ़ता था कि अगर मेरा सोसाइटी पोर्शन जो है वो वीक है तो मैं वहाँ से कर लिया। आईआर जो है मैं बस मेंस 365 से कर लिया, तो ऐसे करके 2-3 ही बस वहाँ से करता था, फिर उसके भी फिर मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था। तो यू मीन जो है करंट अफेयर की जो मंथली कंपाइलेशन मैगजीन है वो आप फॉलो करते थे और वो हेल्प करता था आपको? हाँ, वो मैं फॉलो किया था 2019 में, मैं वही फॉलो किया था। अच्छा। लेकिन 2020 में मेरा टाइम जो है वो कम था, इस वजह से मैं जो ईयरली कंपाइलेशन है ओके। उसके एक दो सब्जेक्ट के, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड आईआर के 3 सब्जेक्ट के मैंने फॉलो किए थे। ओके। बट स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नोट्स या रिलीजियसली नोट्स बनाना वो आपने नहीं किया? मतलब अगर मैं वो पढ़ लिया, अगर वो मेंस 365 पढ़ लिया तो उसके फिर मैं नोट्स बना लेता अच्छा, था अच्छा। 4-5 पेज में, क्योंकि जो प्रीलिम्स जो मेंस का जो पेपर होता है उससे पहले आप 100 पेज या 200 पेज की चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उसको रिवाइज करना बहुत टीडियस हो जाएगा, सो मैं 4 या 5 पेज का जो उसमें की वर्ड्स हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कोई वैसा स्कीम है जिसको मुझे मेंशन करना है, तो ये सारे चीज़ों का एक अलग से नोट्स बना लेता था। बट इन जनरल ऐसे न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, या मीन्स 365 है तो उससे मैं एक एक पॉइंट्स करके नहीं लिखता था। उसका जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं जिसको आप जनरली भूल जाते हैं और जिसको आपको आंसर में इंक्लूड करना है, उन सारी चीज़ों को मैं जो है अलग से लिखता था। आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ मतलब इस जर्नी में कितना मैटर कर रही है, आपने कैसे मेंटेन किया उसे? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नी आपका इतना लंबा होता है, इतना टीडियस होता है कि आप जो है वो मेंटली वीक हो जाते हो, इट्स वेरी कॉमन, और फिज़िकली भी जो है वो हेल्थ ख़राब होता है। सो मेरे लिए एक फॉर्चुनेट ये चीज़ थी कि मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था और मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो क्लोज थे, और एक छोटा सा ग्रुप था लेकिन वो बहुत सपोर्टिव थे। सो इस वजह से मुझे इन जनरल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, कि मैं घर भी अपनी मम्मी से हर दिन बात करता था, अपनी दीदी से बात करता था, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होता था तो मैं डिस्कस करता था लोगों के साथ। ये मैं कहना भी चाहूँगा कि एस्पिरेंट्स को कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है देन यू शुड शेयर, आप लोगों से शेयर करें जो आपसे क्लोज है उनसे शेयर करें, सो उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। आप चीज़ों को दिमाग में बस बैठा के नहीं रखें। और इसके अलावा मैं इवनिंग वॉक पे जाता था, जब
मैं मेंस की प्रिपरेशन करता था और हर दिन मैं एक रूटीन बना लिया था कि 5 से 6 मैं बाहर जाऊंगा, थोड़ा घूमूंगा और अपने एक फ्रेंड के साथ चीज़ों को डिस्कस करूंगा। आई थिंक डिस्कशन से ही आपका जो मेंटल बैगेज होता है, जो आप प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है। सो इस तरीके से जो है वो मैं इस पर ध्यान दिया। और फिज़िकल हेल्थ के लिए जो है मैं खाना वगैरह जो है वो सेलेक्टिवली जगह से खाता था। मैं बाहर की चीज़ों को पे ज़्यादा नहीं फोकस करता था क्योंकि मेरा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो जाता था। तो इस तरीके से जो है वो मैं कोशिश किया कि मैं हेल्दी रहूँ, क्योंकि अगर मैं हेल्दी नहीं रहूँगा तो मैं 9 से 10 घंटे जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो मैं पढ़ाई कर रहा था वो मैं नहीं कर पाता। आपका डेली रूटीन कैसा होता था? डेली रूटीन जो है वो अगर मैं प्रीलिम्स से 2 महीना पहले और प्रीलिम्स और मेंस के बीच की बात करें तो ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल फेज़ होता था। तो इस टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करता था। इसके लिए मैं 7 बजे उठता था और रात के 11:30 बजे सोता था। और जो पूरा दिन है उसको मैं 5-6 स्लॉट्स में डिवाइड करके रखा था। जैसे 7:30 to 9:30 मेरा पहला स्लॉट हुआ करता था, फिर 10 to 1 का एक दूसरा स्लॉट होता था, फिर 3 to 5 का स्लॉट होता था, फिर ऐसे करके 5 स्लॉट थे। और हर स्लॉट में मैं जो है वो एक एक सब्जेक्ट में पढ़ने की कोशिश करता था। ओके, ये जो डिबेट है कि जो है एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या जैसे आप कह रहे हो कि एक बार में 4-5 सब्जेक्ट में पढ़ने चाहिए, आप मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी कहाँ पे है कि अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ें पूरे में या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ें तो कैसे बेटर होता है? आई थिंक ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था अगर मैं फुल डे अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। ओके, सो मैं मिनिमम 2 तो पढ़ता ही था और 3-4 दिनों में मैं एक टेस्ट देता ही था। मॉक पेपर्स हो गया, बीट प्रीलिम्स और मेंस। सो मेरा ये स्ट्रैटेजी जो है वो आई थिंक मेरे स्ट्रेंथ पे बेस्ड था। अगर किसी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक सब्जेक्ट को 10 दिन तक पढ़ते हैं तो उनके लिए भी वो अच्छा है, अगर वो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। बट इन जनरल जैसे अगर मैं ऑप्शन की तैयारी कर रहा हूँ तो भी मैं GS की मॉर्निंग में जो है थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, रात में थोड़ा GS की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन दिन भर जो है वो ऑप्शन पड़ा। तो इस तरीके से जो है मैं अपना जो है टाइम जो है डिवाइड करता था। तो ऑन एवरेज जो है ये 5 महीने में आप शायद 10-12 घंटे पढ़े रहोगे, तो इन 5 महीने में कितने घंटे पढ़ाई हो रही होगी और ऑन एवरेज आप कितने घंटे पढ़ रहे होंगे दिन में? आई थिंक इन 5 महीने में मेरे टोटल 10 घंटे की पढ़ाई होती थी, 10 घंटे ऑन एन एवरेज। और बाकी टाइम मेरे 6 घंटे के अराउंड होता था। उतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाता था और थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता था कि मुझे पता है कि जब प्रीलिम्स और मेंस आएगा तो मुझे ज़्यादा हैवी वर्क करना है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना है। सो आई थिंक 9 से 10 घंटे जो है वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में और बाद में 6 से 7 घंटे। ओके, और जो आप प्रीलिम्स की मॉक की बात कर रहे हो तो कितने मॉक पेपर टोटल आपने लगाए होंगे? आई थिंक 2019 में मैं 70 मॉक पेपर्स लगाए थे, 70। और 2020 में मैं 40 के अराउंड लगाया था। और 2021 के लिए चूँकि रिजल्ट नहीं आया था तो इंटरव्यू के बाद मैंने 6 मॉक पेपर्स लगा दिए। ओके, सो जो है मतलब आपने खाली क्वालिफाई नहीं किया, यू बिकेम रैंक 1, राइट? तो आपको क्या लगता है कि क्या आपने ऐसा डिफरेंट किया या क्या ऐसा चीज़ थी जो वर्क करी आपके लिए जो आपको रैंक 1 बनाती है, वो क्या था? आई डोंट थिंक कि मैं कुछ ज़्यादा डिफरेंट किया था। अगर हाइंडसाइट में देखे तो आई थिंक दोस्त मुझे बोलते कि तुम्हारा प्लानिंग अच्छा था, कि तुमने प्लान अच्छे से किया और कंटिन्यूस तैयारी जो है वो करते रहा और अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज किया, उस पर वर्क किया। आई थिंक ये सब चीज़ वर्क जो है ये मेरे लिए वर्क किया। आई थिंक बहुत सारे टॉपर्स जो हैं जो वो रैंक 1 नहीं है वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक GS का मेंस इंटरव्यू सारे का अगर सही जगह पे बैठे तो आप रैंक 1 बनते हैं। वो कोई भी बंदा जो ये सोच नहीं सकता कि वो रैंक 1 होगा। हम जो है वो अपने साइड से 100% देते हैं, बाकी जो भी है वो तो फिर रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। आपने कैसे फिगर आउट किया कि जो है ये सिविल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शन नहीं है, फिर आपने क्या चूज़ किया और क्यों? इसमें ये रहा कि जब मैं टॉपर्स के मार्क्स देखा तो एक तो मुझे लगा कि टॉपर्स के मार्क्स तो बहुत अच्छे आए थे। आई थिंक दैट ईयर समबडी गॉट 213 आउट ऑफ 250 इन पेपर 1। ओके, एंड सेकेंड पेपर में उनके मार्क्स थे 150। सो मेरा अगर कॉलेज का अगर हम जर्नी देखें तो उसमें ये था कि मैं बहुत अच्छा लैब और थ्योरी वाले कोर्सेज में मैं नहली या दसी जो है 10th ग्रेड में लेके आता था।
बट जहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व था वहाँ पे मुझे जो है 26-27 जो 6-7 ग्रेड होते हैं वो भी आते थे. सो ये स्ट्रेंथ में देखा और फिर देखा कि जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है जो पेपर वन है उसी में ज़्यादा मार्क्स आते हैं. और उसमें मैं कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा करता हूँ. और कहीं ना कहीं वो थोड़ा मार्क्स का कंप्रेशन भी होता है. तो वो सारा चीज़ में ध्यान रखते हुए मैं सोचा कि एक सोशल साइंस सब्जेक्ट लेता हूँ. और सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट जो है मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लिया था. सोशियोलॉजी अच्छा। का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो मैं अपने कॉलेज में लिया था. और एक और पॉलिसी मेकिंग पे एक कोर्स था वो मैंने किया था. सो ये सारे चीज़ों को देखते हुए और अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हुए मैंने एंथ्रोपोलॉजी का जो है डिसीजन लिया. गॉट इट. तो एंथ्रो में जो है स्ट्रैटी क्या थी कि कैसे मैं इसको स्केल करूंगा, कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी? मेरा जो अप्रोच रहा इन जनरल जीएस या ऑप्शनल के लिए वो ये रहा कि मैं सिलेबस को कवर करूं. सो एंथ्रोपोलॉजी का जो बेसिक बुक्स है जनरली लोग रेफर करते हैं जैसे पीनाथ हो गया, वो सब मैंने रेफर नहीं किया. मैं टॉपर्स के नोट्स रेफर किए. सचिन गुप्ता सर का नोट्स था, वर्णित नेगी सर का नोट्स था और एक सिंप्लीफाइड एंथ्रोपोलॉजी था. इन तीनों का मैं नोट्स रेफर किया था अपने 2019 अटेम्प्ट में. और इस साल में अक्षय जैन सर का बुक आया डिमिस्टिफाई एंथ्रोपोलॉजी. अच्छा. उसको मैं रेफर किया और मैं सारे किताब को ऐसे मैं जो है वो फाड़ देता था और सिलेबस वाइज उसको स्टेपल कर देता था. और फिर जो भी मेरे नोट्स होते थे उसको भी मैं ऐड कर लेता था. ओके. इसके अलावा जो भी एग्जांपल्स होते थे, चूँकि मुझे पता है कि ये सारे बुक्स में एक कॉमन एग्जांपल है और सारे लोग यही याद करेंगे, तो मैं एग्जांपल्स वगैरह केस स्टडीज वगैरह इन सबको चेंज कर देता था गूगल करके. नाइस. और व्हाट अबाउट आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज? ये मैंने अच्छे से जो है जीएस में भी और ऑप्शनल में भी मैंने टेस्ट काफ़ी लिखे. और आई थिंक ये मेरा वन ऑफ द स्ट्रेंथ है कि अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ तो प्रेजेंटेशन अच्छा है एंड जो भी मैं पढ़ता हूँ उसको मैं अच्छे से जो है वो 3 घंटे में लिख पाता हूँ. तो ये जो है ये प्रैक्टिस मैंने किया. और इस बार जो ऑप्शनल के लिए है, जैसे जीएस और ऑप्शनल के बीच में 5 दिनों का गैप होता है, सो उस गैप में भी मैंने जो है ऑप्शनल का 2 टेस्ट लिखा था. ट्रू. एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? या कोई स्पेशल प्रिपरेशन इसके बाद, मेंस के बाद? 2019 में मैं अपने बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया. जो मेरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी वर्ड्स थे उस पर मैं प्रिपरेशन किया था. और उस बार मैं जो है 10 से ज़्यादा मॉक भी दिया था. तो इस वजह से भी बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ. ऐसा नहीं है. मैं 10+ मॉक दिए थे इस वजह से 2019 में वो भी. उस वजह से जो है अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब वो क्लेम करते हैं कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ. 2019 में एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट थोड़ा रहता था. और जब मैं इंटरव्यू में गया तो मेरे हार्ट बीट थोड़े फास्ट हो गए थे, तो उस वजह से मुझे उतने अच्छे मार्क्स मिले नहीं थे. 2020 में मैं अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क किया और थोड़ा करेंट अफेयर्स पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस किया. सो इसके लिए एवरनोट पे मैं नोट्स बनाता था. जो भी मेरा बैकग्राउंड है उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और एचआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं. तो आई थिंक ये पूरा जो फेज़ होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन का इज़ मोर अबाउट नोइंग योरसेल्फ. तो मैं अपने आप को जाना, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज़ किया. और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के लिए मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ये 2 न्यूज़पेपर को मैं फॉलो किया था. और ज़रूरत पड़ता था तो उससे फिर थोड़े नोट्स भी बना लेता था. और इसके अलावा कुछ कंपाइलेशंस आते हैं करंट अफेयर्स के, उसको मैं फॉलो करता था. हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? जो है कोई क्वेश्चंस आपको याद हैं कि हाँ यू नो ऐसे पूछे थे और आपने जवाब दिया हो उसका, या फिर ऐसा कोई सवाल रहा हो जिसका जवाब आपने नहीं दिया हो, तो उसमें क्या रिएक्शन था आपका, कैसे हैंडल किया आपने? आई थिंक ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा प्रीटी डिसेंट रहा. एंड जब मैं बोर्ड के अंदर गया तो चेयरमैन सर ने क्वेश्चन पूछा कि तुम गाँव से आते हो, आर यू कम फ्रॉम दिस विलेज? यस सर. देन ही अगेन आस्क्ड कि वेदर यू आर स्टिल लिविंग इन योर विलेज और नॉट, वेदर योर चाइल्डहुड हैज़ बिन स्पेंट इन दिस विलेज और नॉट. सो ऐसे करके क्वेश्चन आए. फिर उन्होंने फ्रेम किया कि बिकॉज यू नो योर विलेज वेल, बिकॉज यू नो योर एरिया वेल, इफ आई एम मेकिंग यू डी एम फॉर 2 ईयर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, हाउ विल यू यू नो प्लान द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया? सो दैट वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. उसका जो रिस्पॉन्स रहा, मैं ये कहा कि सर मैं डीएम बनता हूँ, सो मेरा पहला प्रायोरिटी होगा कि फ्लड मैनेजमेंट पे मैं वर्क करूँ, क्योंकि हर साल फ्लड आता है मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, कोसी, गंगा, महानंदा, 3 जो बिहार के मेन रिवर्स हैं वो तीनों गुजरती है. और हर साल जो है वो जो है देर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी.
तो उसको मैं जो है मैं मिनिमाइज़ करूँगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट प्लान लाने की कोशिश करूँगा। फिर दूसरा मेरा फोकस रहेगा कि लोगों का इनकम बढ़ाना, सो उसको काफ़ी सारे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने इस क्वेश्चन को हैंडल किया था। और इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग पे थे, मुझे क्वेश्चन याद भी नहीं हो क्या थे क्योंकि मुझे आंसर्स नहीं पता था। सो मैं सर को बोला कि सर आई डोंट नो द आंसर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। फिर सर ने वापस से क्वेश्चन कुछ और पूछा तो मतलब सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। फिर तीन चार बार ऐसा हुआ एंड आई थिंक कि मैंने उसको हर बार जो है वैसा बोला कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट है जब आपने 290 रैंक सिक्योर किया राइट, उसके बाद का जो थॉट प्रोसेस है मतलब विद रिस्पेक्ट टू पोस्टिंग, विद रिस्पेक्ट टू कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो एग्जैक्टली मतलब कैसा था, क्या हुआ था उस समय? थिंक जब रिज़ल्ट आया था तो मेरा ये जनरली रिज़ल्ट देखने का एक तरीका है कि मैं कंट्रोल एफ नहीं करूँगा, मैं ऊपर से देखूँगा, सर्च करूँगा। सो 2019 में मैं और मेरे चाचा जी दोनों बैठ के रिज़ल्ट देखना स्टार्ट किए और जब वो 70-80 वाला मार्क क्रॉस हुआ तो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हो गया कि अब वापस से प्रिपेयर करना है। फिर 290 रैंक आई तो खुशी हुआ, बट उसके साथ साथ एक दिमाग में एक ये भी आया कि चलो अब सारा चीज़ छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो उस टाइम जो है प्रीलिम्स जो है वो 40-45 दिन ही दूर था। पहला फोकस रहा कि प्रीलिम्स को अच्छे से जो है वो क्लियर किया जाए क्योंकि ये बहुत जो है डिफ़िकल्ट स्टेज जो है मुझे लगता है। सो प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई हो गए, सो मेरा जो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठ के एनालिसिस किया कि किस एरिया में मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे जीएस में 428 थे तो हम लोगों ने टारगेट किया कि 450 का टारगेट जो है वो अचीव किया जा सकता है क्योंकि टॉपर्स उस बार 465 भी लाए थे। फिर उसी तरह ऑप्शन में मेरे मार्क्स 263 थे तो मैंने टारगेट किया 300 का क्योंकि टॉपर का जो था 298 हाईएस्ट था। ओके सो और इसी तरीके से हर स्टेज के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया और कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है इसके लिए रिसोर्सेज और ये सब चीज़ें डिसाइड की फिर उस पर वर्क किया। ओके भले एग्जामिनेशन में जो है वो जीएस में मैं उतना अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया लेकिन ऑप्शन में कर पाया। सो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एग्ज़ाम के बाद आया था कि हाँ अगर सारा चीज़ अच्छा रहा तो विद इन 50 या विद इन 70 आ सकता है। सो आई थिंक अगर कोई भी किसी को भी अगर मार्क्स इंप्रूव करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज करें फिर उस पर अच्छे से वर्क करें। तो जब इस बार जब रिज़ल्ट आया 2020 का जब रिज़ल्ट आया तो जो है फिर आप गए गाँव गए और वहाँ अगर गए तो फिर कैसा माहौल था? थिंक जैसा भी माहौल था जैसे 10,000 लोग जो थे वो ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको रिसीव करने गए थे। एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट जो है वो 50-60 लोग आए हुए थे। ओके फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के जो है वो गांव आए और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी और बगल के डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम थे उन्होंने अपना गाड़ी प्रोवाइड किया, पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना भीड़ होगा। okay. तो एक टाइम पे मैं बोला कि सर इतना ज़रूरत क्या है लेकिन आई थिंक वो वाइज डिसीजन था। जब घर पहुँचे तो वो घर तक पहुँचने में आई थिंक वो 20 मिनट्स लग गए, इतना अच्छा। भीड़ था और ख़ास करके मैं देखा कि या कोई भी आदमी हो बूढ़े हो या बच्चे हो सारे लोग काफ़ी खुश थे। और जब घर पहुँचे तो घर में एंट्री करने के लिए बहुत दिक्कतें हुई, अपने लोग मिल नहीं रहे थे कि कहाँ पे गए, तो ये पूरा माहौल रहा। इनफैक्ट फिर उसके बाद भी 1 से 2 दिन बाद भी आई थिंक 10 दिन तक घर पे 400 से 500 लोग हर दिन आ रहे हैं मिलने के लिए। सो एक नया टाइप का एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल रहा। और उस समय फिर आपके और आपके फादर का कॉन्वर्सेशन या आपके पेरेंट्स का कॉन्वर्सेशन वो क्या था, वो प्राउड मोमेंट कैसा था? बहुत भावुक भी हो गए थे। इनफैक्ट जब रिज़ल्ट आया था जब मैंने बताया था तो पापा को बताते बताते मैं भी भावुक के पापा को विश्वास भी नहीं हो रहा था। सुबह घर पे पहुँचे तो घर पे भी वैसा ही माहौल था लेकिन उसके बाद जब लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ तो उसमें हम लोग जो है वो इन्वॉल्व हो गए और ओवरऑल जो है फिर बात करने का उतना मौका नहीं मिला पापा से या मम्मी से। सो इनफैक्ट जब 10 दिन बीत गया जब लोग आना कम हो गए तब असली कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। ओके क्या कहा पापा ने? पापा ने कहा कि उनका ये लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट है, जो वो सोचे थे वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, वो तुमने करके दिखाया। तो शिवम जी ने बहुत सारी सीरियस बातें कर दी और अब जो है हमारे एक दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो थोड़ा फनी है, रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम कुछ और पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप जो भी दिमाग में आ रहा है जो है आप जल्दी से आंसर कीजिएगा।
सो इफ यू हैड टू चेंज योर नेम, अगर आप अपना नाम बदल सकते हैं तो नया नाम क्या होगा और क्यों? शोभित. व्हाई? हाँ, मेरे भाई का नाम है, छोटे भाई का नाम है. ओके, तो आप क्यों देना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है शोभित. ओके, इफ यू कुड नो द एब्सोल्यूट एंड टोटल ट्रुथ टू वन क्वेश्चन, किसी एक सवाल की आप कंप्लीट सच्चाई अगर आप जान सकते हैं तो वो सवाल क्या होगा? देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बट अभी जो दिमाग में आ रहा है वो ये कि यूपीएससी एग्जैक्टली मार्किंग का सिस्टम क्या है. ओके, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड और सीन दिस ईयर? आई थिंक आई हैवंट रीड मच. देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखी. आई वेंट टू मैसूर और वहाँ पे साउथ इंडियन वेडिंग थी मेरे फ्रेंड की. ओके, और वो मेरे लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस था. मैं अपनी लुंगी भी पहना और वो पूरा वेडिंग जो है वो पूरा सेरेमनी जो वो अटेंड किया. वो पिक्स हमारे साथ शेयर भी कीजिएगा आप. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट यू ओन? आई थिंक माई फैमिली. इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट बट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट द वैल्यूएबल थिंग दैट आई हैव इज माई फैमिली. Great. What job would you be absolutely horrible at? ऐसी कौन सी नौकरी, ऐसी कौन सी चीज़ आप करोगे सबसे घटिया करोगे? मैं अपनी चीज़ों को बहुत अस्त व्यस्त रखता हूँ. I cannot manage my things well in my room. Okay, वैसे मैं expect उल्टा कर रहे थे. What movie has everyone else seen but you have not? I think many movies I haven't seen. हाँ, आप तो prepare कर रहे थे. कोई ऐसी movie जो अभी आपके calendar पे है कि देखनी है? ओके, व्हाट इज समथिंग मोस्ट पीपल डू इजीली बट यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट? देयर आर मेनी थिंग्स आई कैन नॉट डू एंड पीपल कैन डांस, आई कैन नॉट डांस. ओके, इफ यू हैड द वर्ल्ड्स अटेंशन फॉर 30 seconds, व्हाट वुड यू से? ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. I would say that everyone has potential and think if right guidance is available, then anyone can achieve his or her dream. Awesome. If you had to work but didn't need the money, what would you choose to do? पैसे नहीं चाहिए, बस कुछ काम आपको करना है, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? Driving. Driving. Okay. क्यों? Because I always like driving. सीख रहा हूँ and but I don't want to make a career in that. Okay. What is the stupidest thing you have done on your own free will? काफी सारे चीजें की हूँ. जैसे कुछ एक, कुछ embarrassing. It's not embarrassing as such, but college में काफी सारे चीजें की हूँ कि अपने दोस्तों के साथ जा कर के दूसरे हॉस्टल में जा कर के बदमाशी करना हुआ, या उनको जो है बताना कि जो इंस्टी का बाप कौन है, तो हॉस्टल 6 बाप है, तुम पीछे हो. ओके, इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर अपब्रिंगिंग, व्हाट वुड इट बी? आई डोंट थिंक कि मैं कोई भी चीज़ को चेंज करना चाहूँगा. ओके, व्हेन थिंग्स ब्रेक डू यू प्रिफर टू फिक्स देम और रिप्लेस देम? जनरली मैं फिक्स करता हूँ. Okay. If you could learn any language fluently, what would it be? My mother tongue. Okay. What is the one food that you would never give up? There are many. मेरे एरिया में बहुत सारे साग सब्जी के हैं, जैसे हम लोग घट्टा कहते हैं. I cannot leave that. Okay. ये कैसे बनता है, क्या चीज़ है ये? ये वहाँ का जो एक अगर मेरे इस एरिया में आएंगे तो काफ़ी सारे साग सब्जी हैं, सब्जी है, ये साग हैं. Okay. तो वो साग आपको कहीं और एरिया में नहीं मिलेगा. अच्छा, जैसे वो केंचू का पत्ता होता है, फिर एक अलग से एक और मम्मी बनाती है काफ़ी अलग, तो वो मैं कहीं और नहीं जो है वो नहीं खोज पाता हूँ. Okay. सो उसको मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा. ओके, कूल शिवम जी, दोज़ वर दी वंडरफुल आंसर्स. और CTWT टीम की तरफ से एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट हैम्पर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. और एक और जो है रस्म है जिसमें जो भी टॉपर्स हमारे यहाँ आते हैं वो एक दूसरे टॉपर को टैग करते हैं कि हाँ, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए और जो है उनको भी अपनी स्टडी शेयर करनी चाहिए. तो आप किसी को अगर टैग करना चाहें तो प्लीज़ को. जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, देन आई कॉन्टेक्टेड माई सीनियर कुमार सौम्या. ही हैज क्लियर्ड थ्राइस और ही इज़ ऑलवेज अ इंस्पिरेशन फॉर मी. I think you can call. Okay, great. तो कुमार सौम्या, डेफिनेटली हम आपसे भी मिलना चाहेंगे
और आपसे भी सारा डिस्कशन करना चाहेंगे। एंड आपके पास अगर हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मैसेज हो तो प्लीज़ जो है शेयर करें। आई थिंक यू शुड गिव मिनिमम 2 to 3 सीरियस अटेम्प्ट। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टेट PCS या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। आप बाकी सारे चीज़ों को छोड़ दीजिए और आपका 100% जो एनर्जी होना चाहिए वो सिविल सर्विसेज बस एक एग्ज़ाम के तरफ होना चाहिए, और फिर उसमें आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करें एंड आप रिज़ल्ट की चिंता ना करें। आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, फिर आप मेंस की तैयारी करें, आप इंटरव्यू की तैयारी करें, बट कभी ये ना सोचें कि ये रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा तब मैं अगले स्टेज की तैयारी करूँ। आप कंटिन्यूस अपना प्रिपरेशन जो है वो रखें। ग्रेट, आई थिंक जो है लर्नर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू। थैंक यू।